प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इंटर ए प्रीवियस पासवर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियस पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर आपको भी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो जैसे ही मैं अपने अपने आईडी को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, जैसे गेट हेल्प लॉग इन पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डालने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कैंट रीसेट योर पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ना ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ना मैं अभी ट्राई अनदर भी कर देता हूँ, और यहाँ पे ना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है यहीं पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिले जब आप अपने अकाउंट को रिकवर करें, और भी बहुत जगह यहाँ पे ये प्रीवियस पासवर्ड पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो गाइस कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही, तो यहाँ पे ना आपको अपना प्रीवियस पासवर्ड डालना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि प्रीवियस पासवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे ना अगर आपकी आईडी अगर हैक हो जाती है तो ऐसे में इंस्टाग्राम प्रीवियस पासवर्ड पूछता है, इंस्टाग्राम वेरीफाई कर लेता है। जैसे कि अगर अकाउंट हैक हुआ तो उससे इंस्टाग्राम को पता चल जाता है। अगर आपको पुराना पासवर्ड इंस्टाग्राम, अगर मान लीजिए अगर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, उसके बाद हैकर पासवर्ड चेंज कर देता है, तो उसके बाद हैकर को तो आप इंस्टाग्राम का पुराना पासवर्ड पता नहीं होगा। पुराना पासवर्ड तो उसी को पता होगा जो उस अकाउंट का जो है रियल ओनर है। जैसे कि मेरा अकाउंट है तो पुराना पासवर्ड मुझे ही पता होगा। जैसे कि अगर मेरी आईडी को अगर कोई हैकर हैक कर देता है और उसका पासवर्ड चेंज कर देता है, और उसके बाद अगर वो अपनी आईडी को रिकवर करने की कोशिश करता है, मतलब जो भी आईडी उसने हैक की उसे रिकवर करने की कोशिश करता है, तो उसे प्रीवियस पासवर्ड पता नहीं होता है, जिस वजह से वो लॉगिन नहीं कर पाता है। अब जैसे मेरी आईडी है तो मुझे प्रीवियस पासवर्ड पता है। प्रीवियस पासवर्ड मतलब पिछला पासवर्ड, आपने जो भी पासवर्ड पीछे रखा था वो पासवर्ड आपको डालें, तो प्रीवियस पासवर्ड तो उसी को याद होगा जिसका ये रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे ना इसलिए प्रीवियस पासवर्ड पूछा है। तो आपको प्रीवियस पासवर्ड मतलब पिछला पासवर्ड आप अभी जो भी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँ, अभी आईडी लॉगिन करूँ, इससे पहले मैंने कौन सा पासवर्ड रखा था, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और कुछ नहीं होता है, प्रीवियस पासवर्ड बस यही होता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि प्रीवियस पासवर्ड क्या होता है, बस यही होता है प्रीवियस पासवर्ड। जैसे कि अगर आपने कोई पासवर्ड यहाँ पे डाला है जो कि आप करेंटली में यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी आईडी हैक हुई हो, और भी बहुत जगह यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। बस मैंने आपको एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। तो यहाँ पे ना आपको अभी यूज़ कर रहे हैं आप फ़ोन, उससे पीछे आपने कौन सा पासवर्ड रखा था, मतलब इससे पिछला पासवर्ड कौन सा है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रीवियस पासवर्ड क्या है। तो आप यहाँ पे डाल के कर सकते हैं। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा प्रीवियस पासवर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखते हैं कि आप प्रॉब्लम है, यहाँ पे शायद मेरा प्रीवियस पासवर्ड गलत बता रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक बार मैं चेंज करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं डाल देता हूँ अपना प्रीवियस पासवर्ड।